नमस्कार दोस्तों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं अशोक सुथार अपने YouTube चैनल हैंडराइटिंग शिक्षा पर आप सबका स्वागत है। आज हम स्वर का लेटर ऐ से ऐनक, आपने पहले ए से एडी बनाया था उसी से ऐ से ऐनक बनेगा। तो स्वर का लेटर ऐ से ऐनक कैसे बनता है वो देखते हैं बोर्ड पर इसके रूल्स और स्टेप। ये इसका फर्स्ट स्टेप, वन स्टैंड लाइन बनानी है। सेकंड में आपको इस कॉर्नर से थोड़ा सा स्लांट या नीचे की तरफ तिरछा आना है। थर्ड में हम यहाँ से थोड़ा सा इसको टर्न कर देंगे, मोड़ देंगे। फोर्थ में आपको ये स्टैंड लाइन बनानी है। इसका गैप हमारी जो ये यहाँ से यहाँ तक जो स्टैंड लाइन है इसका हाफ करते हैं, उतना ही गैप हमें इसके बीच में रखना होता है। ए से ए डी और ए से ऐनक में सब में एक ही सिस्टम इसका होता है। फिफ्थ में देखिए, यहां से आने के बाद इसको यहां से कवर कर दो कॉर्नर, ये इसका फिफ्थ। सिक्स में आपके लेटर कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी सिक्स में नहीं, एक स्टेप और बाकी है। ये सब आपके ए से एडी बन गया, अब ऐसे ऐनक बनाना है। इस पे आपको मात्रा लगानी है, ये अब आपके सेवन में कंप्लीट हो गया। आप देख रहे हैं हमने पहले ए से ए डी बनाया था, इस पे मात्रा नहीं थी, लेकिन इस पे साइलेंट रहती है मात्रा। इस पे वन मात्रा होती है और इस पे लगती एक है, लेकिन बोली जाती ऐसे ऐनक दो बोली जाती है। ये इसमें साइलेंट रहता है, इसमें वन होती है वो दिखती नहीं, बनाते नहीं, इसमें वन बनाते हैं लेकिन ऐसे ऐनक बोलते हैं। दो मात्राएं साथ बोली जाती है और इसमें एक मात्राएं साथ बोली जाती है। प्रेस का लेटर आप देख रहे हो, ये इस कॉर्नर में ले आते हैं और फिर इस पर मात्रा लगाते हैं और हम अपने अलग अलग तरीके से बनाते हैं। कोई इसको इस तरीके से बनाता है, कोई बिल्कुल, ज़्यादातर हम इस तरह से शॉर्टकट में बनाते हैं। कुछ अपने यहाँ से पॉइंटेड रख देते हैं, यहाँ से नुकीला या पॉइंटेड नहीं होता, ये कर्व में आता है। आप देख रहे हो यहाँ से ये कर्व होता है, यहाँ तक तो सीधा होता है लेकिन यहाँ आके कर्व हो जाता है, ऐसे नुकीला नहीं होता। तो ये कमियाँ या गलतियाँ न रखें। अब आप कॉपी में इसके सेवन पॉइंट नोट कर लीजिए। हाँ जी, सबके नोट हो गया। मेरे हिसाब से आपके स्वर के सारे लेटर कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें, लाइक करें और
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।